हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल लॉक्स में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि यूट्यूब के अंदर जो क्रिएट का ऑप्शन आता है उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसका क्या इस्तेमाल है और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सीख लेते हैं। हाँ, तो गाइस मैं आपको जल्दी से फटाफट से बता देता हूँ कि किस तरह जो यूट्यूब में क्रिएटर का ऑप्शन आता है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो क्या काम आता है। तो हम यूट्यूब को ओपन कर लेंगे। मैंने यूट्यूब को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सर्च बार में हम सर्च करेंगे, कोई एक सॉन्ग सर्च कर लेंगे। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ तेरे बिन, और स्पेस देके हम सॉन्ग भी लिख लेंगे ताकि तेरे बिन सॉन्ग आ जाए, सॉन्ग। ठीक है, अब हम सर्च कर लेंगे। सर्च करते ही ये सॉन्ग आ चुका है। अब हम इसको इसमें से एक को प्ले करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको प्ले करेंगे, इसे हम इस पर क्लिक करेंगे, प्ले करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आ चुका है, क्रिएट आप देख सकते हैं। तो क्रिएट वाले ऑप्शन को पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हम शॉर्ट वीडियो में आ चुके हैं। अब शॉर्ट वीडियो में आ चुके हैं, ऊपर आप देख सकते, ध्यान दें कि वहाँ तेरे बिन लिखा हुआ है ऊपर, तेरे बिन। ठीक है, तो ये किस काम आता है आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे शॉर्ट वीडियो में कोई सॉन्ग बैकग्राउंड में बजे, तो वही सॉन्ग आपके तेरे बिन वही सॉन्ग प्ले होगा। अब जैसे कि हम दूसरा गाना, कोई दूसरा सॉन्ग शेयर करते हैं, तेरे संग। ठीक है, अब तेरे संग यारा या चुका, तेरे संग यारा। यहाँ पर हम क्रिएट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ तेरे संग यारा, यहाँ सॉन्ग का नाम आ चुका है, हमारी वीडियो में ये ही एड होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम क्रिएट ऑप्शन को यूज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसी ही टेक्निकल टिप्स पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।